खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करेंगे MI और RCB के बीच हुए मच अवेटेड मैच की। MI ने टॉस जीता और फैसला किया बॉलिंग का। ऑब्वियसली उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है और वानखेड़े में बड़े से बड़े टारगेट चेस कर चुके हैं वो, तो ये फैसला लेना बहुत ही ऑब्वियस था। ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि MI की बॉलिंग अभी तक बहुत ही साधारण रही है, पर इस बार इसका उल्टा हुआ और शुरुआत में ही विराट कोहली का विकेट ले लिया MI ने। वन ब्रिंग्स टू, और इसी के साथ साथ KS भरत भी विराट कोहली के पीछे चले गए। पर इसके बाद आए क्रिस्पे ग्लेन मैक्सवेल और उनका साथ दिया फैफ डुप्लेसिस ने, और दोनों ने MI के बॉलर्स की जो धुलाई की है वो सच में वानखेड़े की क्राउड देखना नहीं चाहती थी। एक ओर से फैफ डुप्लेसिस अपना विकेट बचा रहे थे और दूसरी ओर से ग्लेन मैक्सवेल हर दिशा में गेंद को भेज रहे थे। तीसरे विकेट के लिए एक जबरदस्त पार्टनरशिप करने के बाद ग्लेन मैक्सवेल का विकेट गिरा। फैफ डुप्लेसिस ने एक कमाल की कप्तानी पारी खेली और उसके साथ साथ वो भी पवेलियन चले गए। इस कमाल की इनिंग को फिनिशिंग टच दिया दिनेश कार्तिक ने और पहुंचा दिया RCB का टोटल 200 रन तक। सबको ऐसा लग रहा था कि MI की पहुंच से ये टारगेट बहुत दूर है, पर तब मैदान में एंट्री होती है ईशान किशन की, और सच में एक पावर प्ले को कैसे खेला जाता है सबको इनसे सीखना चाहिए। ईशान ने कमाल की पारी खेली पर हसरंगा की गेंद पर आउट हो गए और उनके साथ साथ रोहित शर्मा ने भी अपना विकेट गंवा दिया। और उसके बाद जलवा दिखाने आते हैं मैदान पे सूर्य कुमार यादव और निहाल वाडेरा। रोहित शर्मा आउट हो गए थे, ईशान किशन डगआउट में थे। सबको यही लग रहा था कि RCB अब कमबैक करेगी, पर इन दोनों ने जैसी बल्लेबाजी की 100+ रनों की पार्टनरशिप की, सबके मुंह बंद हो गए। सूर्या ने सेट होने में थोड़ा सा टाइम लिया, पर उसके बाद मैदान में जैसे तूफान सा हिला दिया। निहाल ने भी कमाल की बैटिंग की। इन दोनों के सामने RCB की बॉलर्स की एक भी नहीं चल रही। इन दोनों की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते मुंबई ने 16.3 ओवर में ही मुकाबला खत्म कर दिया। आप किस टीम के फैन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिए हमें लाइक, और ऐसी ही न्यूज एंड अपडेट्स के लिए कर दीजिए हमें सब्सक्राइब। हम आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में। आप देखते रहिए IPL मसाला।